कबीर कमाया अपनी कबीर कबीर कमाया अपनी या कबू न निष्फल जाई सात समंद आड़ा फिरे पर मिले अगाड़िया ऐसी कमाई करे सात समुद्र दारुड़ो का आड़ो फरे पर सात समुद्र आड़ा फरे फिर मिले अगाड़िया ऐसी है संत की कमाई आप सब की ये हमारे सर की सात समुद्र पानी कतरो पड़ पड़ो भी दो दिन का पहले मैं भी सोच रहा था कोई सा कार्यक्रम रद्द हो जाएगा परंतु सात समुदाड़ा परे पर मिले गाड़ी ये है कमाई ये है सच्ची कमाई ये है करी कमाई इसलिए तन लेख लिखिया कोई न उसको मिटा सका जो विधा तन लेख लिखिया कोई न उसको मिटा सका दादा कर्म करे सो सच्ची बात है बिना कर्म नहीं बढ़ता अपने खेत वावोगा तो पाकेगा बोगा तो पाकेगा नहीं तो कहीं होने वालो नहीं है रस्सी आवत जावत पत्थर पड़त लिसान रस्सी बहुत छोटी होती है यदि बाटो पड़ी जाए तो दस टुकड़ा वजन रणवणी रस्सी का पर वही रस्सी सरल बन जाती है वही रस्सी सहज बन जाती है तो फिर उस पत्थर को भी काट देती है तो हम सरल बन जाए सहज बन जाए अच्छे बन जाए संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे संकल्प हो हमारा संकल्प हो हमारा हम इंसान बन जाए इंसान बन गए तो भगवान ही बनेंगे पर पहले हम इंसान बन जाए और इंसान बनने के लिए हम सच्चे कर्म करने पड़ेंगे इसलिए अरे सत्य कारण तीनों बिक गया सुनो दाखला कर मन का सत्य कारण तीनों बिक गया सुनो दाखला कर मन का राजा हरिजन की कथा था मैं देखी थी वो सब गुरुमुखी है राजा हरिचंद रानी तारामती राज करे लोहनगढ़ का सत के कारण तीनों बिक गया और आपने
कदी आओ अपने सब सत्संग में आया ने कोई भाई के दी वाटे पेट्रोल खुली देने पेट्रोल खुली देने रास्ता में ते भी के अपने कोई नहीं रुके ने बात आकी रात अपने साल होड़ी होड़ी कैसा वजन सुनी रहा रास्ता में कोई भाई के पेट्रोल खुली गई ते कोई नहीं रुके वो बल्ले पगे पगे गड़ी ना एक राजा हरिचंद था जिसने अपने आप को भेज दिया अपनी धर्म पत्नी को भेज दी अपने बेटे को भेज दिया देख हमारा छोरा के को देख के बेटा हूँ मालवा में इतनी पैसा थारा निकाल लाया हूँ यदि भी के शादी करनी है नहीं तो वो दो तीन महीना करेगा ने दो तीन महीना के बाद में के भाई जी तू अली पड़ो कर हूँ जाए रो गुजरा और एक वो पत्नी थी राजा हरिचंद की उसने मुंह से यूं नहीं बेचा कहा कि मुझे तू कहां बेच रहा है आपने देखा ने भाई के ही अपने अनाप वन्ना पूछे देखा एक की को डब्बो लिया ये कह दे मारी साड़ी क्यों लाया अना डब्बा का वादी मिलू एक वो पत्नी थी जो भरे बाजार में बेच दी बोली लग गई इसलिए हम कहीं ना कहीं सत्संग में बैठे ना तो कहीं ना कहीं 1% भी सत्संग के जीवन में उतारे और हम चले सत्संग पे तब कहीं ना कहीं सत्संग सार्थक होगा राजा हरिचंद राणे तारा पति राज करे लोहनगढ़ का अरे सत्य कारण तीनों बिक गया सुनो दाखला कर मन का सत्य कारण तीनों बिक गया सुनो दाखला कर मन का अरे सत्य कारण हिमालय में गड़ गया सुनो दाखला कर मन का सत्य कारण हिमालय में गड़ गया सुनो दाखला कर मन का पांच पांडव सत्का बांधिया राज करे हस्तिनापुर का सत के कारण हिमालय में गड़ गया पर सत नहीं छोड़ा इसलिए हम कहीं ना कहीं सत्य पे चले क्यों कि सत मत छोड़ो तम सुरमा सत छोड़िया पथ जाए सत की बांधो लक्ष्मी तो फिर मिलेगी आए हम कहीं ना कहीं सत्य को धारण करें देख के लीनी फकीरी सुनो दाखला कर मन का
में सदगुरु कबीर कहते हैं, कहे कबीर सुनो बड़ा तो अपने कर्म को बहुत बड़ा, अरे कर्म भरम का करो निवेड़ा सुनो दाखला कर मन का, कर्म भरम का करो निवेड़ा सुनो दाखला कर मन का। कर्म भरम का करो निवेड़ा सुनो दाखला कर मन का, कर्म भरम का करो निवेड़ा सुनो दाखला कर मन का। सद्गुरु दयाल की जय हो, जाने वाली अमर आत्मा की जय हो।